हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी मिलबा के शेयर प्राइस पे। स्टॉक में कंटिन्यू दो दिन से गिरावट, रीजंस क्या रहे हैं और क्या इसके सपोर्ट रहेंगे, क्या इसके टारगेट रहेंगे और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम पूरी डिटेल से करने वाले। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि जब भी मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इनके क्वार्टर फोर के रिजल्ट। भाई, क्वार्टर फोर के रिजल्ट में रिवेन्यू डाउन होके आई है, ये आप सभी को पता ही है। लेकिन रिवेन्यू तो डाउन होके आई है, बट इसकी जो ये फॉर्च्यून ऑयल बनाता है उसके जो क्लाइंट है वो बढ़े हैं, ठीक है, ईयर टू ईयर भी और क्वार्टर टू क्वार्टर भी। वो एक पॉजिटिव अपडेट है इसमें जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं। आप सभी को पता ही होगा जो अडानी विलमार है वो अडानी ग्रुप और विलमार इंटरप्राइजेज दोनों मिलके ये अडानी विलमार कंपनी बनाई हुई है और जो फूड और एफएमसीजी का काम करती हैं। आप सभी को पता होगा जो फूड और एफएमसीजी का काम, वो कभी बंद होने वाला नहीं है, कमी नहीं आने वाली है इस काम में। हाँ, हल्के फुल्के अप डाउन्स होते रहेंगे बट कंपनी अच्छी ही है, आप टेंशन मत करो। अब जिन्होंने हाई प्राइस पे इसे बाई कर रखा है क्या करना है, अभी वही थोड़ा सा वेट कीजिए। हल्का सा डीप और आने की संभावना है यहाँ पे। यहाँ पे अगर इस लेवल पे ये सपोर्ट लेता है, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये एक जोन है, अपसाइड रेजिस्टेंस है, डाउनसाइड सपोर्ट है। जिधर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ उधर के मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब अगर ये जो लेवल है यहाँ पे आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन भी है, सपोर्ट भी है, अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है 339 का ब्रेकडाउन करके ये नीचे का प्रेशर बनाता है तो फिर ये 320 तक जाता हुआ नजर आएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन कर दिया तो फिर वही टेंशन की बात है। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो या फिर एवरेजिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे करना आप 320 पे, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ अपनी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स एक बार खुद के एनालाइज करने के बाद ही आपको ऐड करने हैं। और कभी भी अच्छे स्टॉक में डीप आता है तो टेंशन मत कीजिए, अपॉर्चुनिटी समझिए, क्योंकि जितनी डीप में बाइंग करोगे रिटर्न मिलने उतने, मतलब रिटर्न उतने ही अच्छे मिलेंगे। जिन्होंने मतलब डीप में बाई किया होगा इस स्टॉक में, मैं आपको दिखाऊं, जिन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा अच्छे रिटर्न लिए उन्होंने। देखो यहाँ से, देखो यहाँ बाई किया होगा अच्छे रिटर्न लिए, क्योंकि एक डीप यहाँ पे इतना अच्छा आ गया था। ये देखो ये डीप इतना अच्छा आ गया था, इस डीप में बाई किया अच्छे रिटर्न मिले, निकले भाई एक डीप आया फिर बाई किए। अब ये एक डीप तो आ तो रखा है बट इतना अच्छा नहीं आया है, थोड़ा सा ये लेवल आएगा ना यहाँ पे बाइंग पे अच्छे रिटर्न मिलने की आपको संभावना। अब साइड के मूवमेंट में जान लेते हैं क्या कुछ लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ पे रहेगा 364 का फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहने वाला है। इसके ब्रेकआउट के बाद फिर ये इसके 52 का हाई 408 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। वैसे कंपनी अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़े ये है कि ज़्यादा टाइम लग सकता है होल्ड करने के लिए, तो टेंशन मत करो, सब अच्छा ही होगा इस स्टॉक में। यहाँ पे ये थी मेरी एनालिसिस, आपका क्या कहना अडानी विलमार के शेयर पे कमेंट करके बताना, और किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार खुद के एनालिसिस जरूर कर लेना, इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ है।